दिनों कोई हमें कह रहा था शेख साहब अगर अफगानिस्तान से चरस का बिजनेस ओपन कर देना, मैंने कहा यार थोड़ी हिदायत कर तो दिमाग ये भी है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ से ओपियम लेने के लिए, तो हम बॉर्डर खोल दें हम सबको हरा देंगे। मैंने कहा नाउज़ बिल्ला यार अल्लाह अल्लाह तो हल्दी बातें कर। अभी ये भी है, अभी कल मुझे एक दोस्त मिला वो कह रहा है यार मैंने घर में बैठ के शैम्पू बनाया जबरदस्त पेट्स का जबरदस्त। ये डिफेंस के लोगों को कुत्ता रखने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक है, और वो इंपोर्ट पे बैन भी लग गया अभी तो वो फंस गए, तो जो कुत्ते आ गए वो आ गए हैं जो भाई मुल्क ठीक किया जा सकता है, मामला ठीक किए जा सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चला रहे हैं, जो बनाया है और जिनके हाथ में स्टेक है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना, वो आप जानते हैं, दे हैव टू डिसाइड, ये कहना अच्छा। और दूसरी मेरी एडवाइस ये, अगर हुकूमत या सिस्टम अवाम को रिलीफ देने में नाकामयाब होती है तो मेरी पर्सनल अपील है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को। मैं एक प्राइवेट सेक्टर हूँ, मैं हुकूमत नहीं हूँ, स्टेट नहीं हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद शेख साहब भी स्टेट ही हैं एक लिहाज से, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम आदमी हूँ। मैं अपनी इस्तेआत और वसत के तहत कौम की खिदमत कर रहा हूँ। आप लोगों के अंदर जो इस चीज का जज्बा रखते हैं, अगर हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं मिलती, स्टेट रिलीफ नहीं मिलती, चाहे उनके पास पैसे नहीं है या नीयत नहीं है, हमें आगे आना पड़ेगा अपने मुल्क को बचाने के लिए। अपनी अपनी कैपेसिटी में तो कम से कम आए, अगर नहीं करेंगे बैठे रहेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये होगा कि हम मुल्क का ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारा यूथ लूज हो जाएगा, और जो बचा कुचा दीन भी है ना वो भी आगे से तबाह हो जाएगा अगर आप इनको रिलीफ पैकेजेस नहीं देंगे। दिस इज माय आइडिया, मैं तो जो कर सकता हूं अपने उसके अंदर, हाँ वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी अखराजात जुड़े हुए हैं। मैं भी चाहता हूं कि एक फ्री एजुकेशन का फॉरम खुलना चाहिए, हम जितना हेल्प आउट कर सकते हैं, बल्कि हमें आप दरखास्तें भेजें। मैं एक और भी प्रोग्राम सोच रहा था कि और भी मेरे दोस्त यार हैं सिस्टम में, बड़े बड़े दोस्त यार हैं, मैं उनको भी चाहता हूं कि हम बुलाएं एक पॉडकास्ट इंशाल्लाह, कि वो आके एडवाइस करें मेरे फोरम से कौम को कि जी आप क्या रिलीफ दे सकते हैं। अगर हुकूमत नहीं भी करेगी तो हमें तो बच्चे बचा, हमें तो बचाना है ना, हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था उस्मान, याद होगा आपको भी, 2006 में 2005 में आया था सर, हम लोग आप सोच नहीं सकते, हम लोग तो ग्राउंड पे थे उस टाइम, बिल्कुल, और कराची ने किस तरीके से यहाँ से भेजा था, तो उस वक्त स्टेट रिलीफ तो अपनी जगह पर होगी, प्राइवेट सेक्टर था ना, और फौज भी जंग कैसे जीतती है जब प्राइवेट सेक्टर उसके साथ खड़ा होता है। और रशिया से हिटलर क्यों हारा था, क्योंकि एवरी हाउस इन रशिया वाज फाइटिंग फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ रशिया। ऐसे ही है। तो आज अगर मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो एक ईदी और एक छीपा नहीं, हर घर से ईदी छीपा निकलने चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी तो जाके आप लोगों को हर घर से वो एंटरप्रेन्योर्स निकलने चाहिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीयां क्रिएट करें कि भाई अगर आपको नहीं मिलता हम आएंगे। इसके अंदर अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ, मेरे साथ कोई हाथ मिला के काम करना चाहता है, मुझसे कोई लेना चाहता है, मेरा नाम कहीं कैश करना चाहता है, if anybody wants to use me for the betterment of the country, I am there, inshallah ताला, जो मैं कर सकता हूं, I'll help you out. Whatever we are doing and already doing, यहां पर अपनी फला तज़क्कु अनफुसकुम, अपनी बढ़ाइयां नहीं जाननी चाहिए, हम तो ऑफर ही कर सकते हैं यहां पर कि आए हमें बताएं, हम अगर कुछ सजेस्ट करें, हमें कुछ करना है तो वी आर देयर, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह शयान भाई आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। Any specific questions you want to take? शेख साहब एक सवाल बड़ा रिपीट हुआ, उस पे बार बार लिखा हुआ है, मेरा सवाल का जवाब दे दे, मेरे सवाल का जवाब दे कौन दे है भाई? के शादी के हवाले से तो नहीं, नहीं शादी वो तो आते रहते हैं, आपको पता है वो शादी वो बड़ा एक इशू है इसको, वो भी रिलैक्स हो जाना, अगर शादी भी हो जाए तो आधा दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो भी आते रहते हैं, पर आई थिंक वो भी हमारा टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो टॉपिक से रिलेटेड वाला सवाल पूछ रहा हूँ कि शेख साहब व्हाई डिड यू नॉट गो अब्रॉड, आपको तो बीच में हार्वर्ड जाने का भी मौका मिल रहा है शेख साहब, ठीक है, और मेरे ख्याल से मैं हूँ वो जो गुमराह करने वाला हूँ। नहीं, 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 नहीं। ये बताएं कि माशाल्लाह शयान का हार्वर्ड में एडमिशन भी हो गया? नहीं नहीं, वो मतलब प्रोसेस में चल रहा था, स्टेप बैक, न्यू स्टेप। व्हाई आर यू इन द कंट्री? शेख साहब मेरे हिसाब से इधर अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत है। मैं जो आप जैसे कह रहे थे, बोले जा सुनाए जी अपॉर्चुनिटीज, आई वांट पीपल टू लर्न समथिंग फ्रॉम। शेख साहब हर चीज के अंदर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, हर छोटी छोटी चीज सही नहीं चल रही, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनी हुई है जिसके आप कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो एग्रीकल्चर हम बोल रहे थे, एग्रीकल्चर की पूरी सप्लाई चेन में इतना काम है। मैं जब यहाँ पे सप्लाई चेन के अंदर घुसा था, यहाँ पे पता चला कि सप्लाई चेन की पूरी एक पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, पर हमने आज तक उसकी लोकेशन का फायदा नहीं उठाया। सप्लाई चेन जरा आसान लफ्जों में समझा सकते हैं क्या होती है? जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जो लॉजिस्टिक्स का काम होता है, उसके ऊपर मैं जरा आप कह रहे हैं हम ट्रक ले लें, मतलब इतना काम है, इतना बड़ा काम है,
अभी आप पाकिस्तान लिंक करता है पूरे सेंट्रल एशिया को, सेंट्रल एशिया के पास कोई मुल्क दूसरा कनेक्टिविटी नहीं है पानी से, तो पानी के साथ कनेक्टिविटी होने के लिए आपको ट्रेड बहुत जरूरी होती है, और वो जाता है पूरा टर्की से यूरोप से करने के लिए, उसको इतना बड़ा रास्ता लगता है, पाकिस्तान के लिए इतना छोटा रास्ता ही है। आपको पता है आप पाकिस्तान से टर्की बाय रोड जाया जा सकता है, आराम से जा सकते हैं, पाकिस्तान से ईरान जाया जा सकता है, आप 6 दिन में टर्की पहुंचेंगे बाय रोड, 6 दिन, 6 दिन में आप टर्की पहुंचेंगे बाय रोड, आप कजाकिस्तान जाएंगे आप 8 दिन में कजाकिस्तान पहुंचेंगे, क्या बात है। आप अगर पाकिस्तान ये दरवाजा खोलता है तो भी बहुत इनकम, ह्यूज इनकम। सिर्फ अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही बात करें, आपके पास ट्रांसपोर्ट इतना बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक्स के ऊपर ही हम हरा सकते हैं, इसी पे आप इतना हरा सकते हो, पर इतने ज्यादा मतलब इंडस्ट्री के ऊपर काम है। तो मैं पिछले दिनों कोई हमें कह रहा था शेख साहब अगर अफगानिस्तान से चरस का बिजनेस ओपन कर देना, मैंने कहा थोड़ी हिदायत कर दो, ये भी है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ से ओपियम लेने के लिए, हम बॉर्डर खोल दें सबको हरा देंगे, मैंने कहा नाउज़ुबिल्लाह यार अल्लाह तो हिदायत कर, ये भी है, पर ये है कि मतलब इतना ज्यादा है शेख साहब, इतना ज्यादा आपका सिर्फ एग्रीकल्चर में इतना है। चलें आप कोई आम बताएं ना, 5 लाख से 10 लाख के बीच में बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेख साहब, अभी आप सबसे बड़ा है काम है कमोडिटी, मतलब जितना भी जरूरियाती चीजें हैं लोगों की उसके ऊपर काम। अभी कल मुझे एक दोस्त मिला, वो कह रहा है यार मैंने घर में बैठ के शैम्पू बनाया, जबरदस्त, पेट्स का जबरदस्त, ये डिफेंस के लोगों को कुत्ता रखने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक है, और वो इंपोर्ट पे बैन भी लग गया अभी तो वो फंस गए, तो जो कुत्ते आ गए वो आ गए तो भाई ये पिट बुल्स हो गए, ये आपके लैब्राडोर्स हो गए, ये ग्रेट डेन्स हो गए, आपके जो बड़े टच मी नॉट फेलाइन्स और केनाइन्स हैं, वो कह रहे हैं मैंने शैम्पू बनाया उसका नाम मैंने फ्लिक रखा, देख रहा माशाल्लाह से, फिर वो कह रहे हैं मैंने एक हैंड सैनिटाइजर बनाया, मैंने कहा कहाँ बनाया, घर में, मैंने कहा फॉर्मूला कहाँ से, कह रहे हैं मैंने उसने मुझे बताया मैंने 10,000 रुपए का बनाया। अच्छा आप प्लीज मुझे वो ना समझिएगा जो कह रहे होते हैं, आओ देखो ये 9,000 से 9 करोड़ का आदमी बन गया, प्लीज आई एम नॉट दैट गाय। जी शेख साहब सही सवाल ये बहुत आ रहा था कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो ये आप आई थिंक बहुत सैनिटाइजर बना है, वो उसको कह रहा है वो डिफेंस के अंदर उसने एक भाई को मार्केटिंग पे लगाया हुआ, लोग चल रहे हैं अब क्योंकि महंगाई, अब मैं आपको एक और बड़ा ऑप्शन देता हूँ, अब क्योंकि महंगाई ज्यादा है ना तो लोग थोड़े से कम पे गुजारा करें, नाउ इज द टाइम फॉर कॉटेज इंडस्ट्री टू कम इन, ऐसा ही है। अब इस टाइम पर वो लोग जो ब्रांड 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 था ना, अब ब्रांड पटेगा बिल्कुल, तो जो होममेड ब्रांड्स होंगे जो जरूरत पूरी कर देंगे उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है माल बेचने की मेरी नजर की बिल्कुल। अब अगर आप जुनेट, अब जे डॉट नहीं, अब दर्जी फिर बिकेगा अब मीट वन नहीं चलेगा, अब कसाई फिर वापस आ जाएगा, दोबारा प्ले में आ क्यों, क्योंकि वो जो प्राइस आप उस लग्जरी की दे रहे थे उससे कम में आएंगे ना। शेख साहब मेरा तो मानना ये कहना है पेट्रोल के मुकाबले में ईरानी डीजल चलाते हैं आप यहाँ पर, बहरहाल but I think government shall think of opening things with why not Irani petroleum if it is cheap then you should go for that. 11 rupees ka 11 rupees ka border ke us par, border ke is par aapko 70% duty lag jati hai to tab bhi kuch bhi nahi hai, ha theek hai, matlab 100% bhi duty lagti 22 rupees ka ho jayega, aur wo euro 7 hai, euro 7 ka standard bahut high hota hai, ye dekhen ji aaj hamare Pakistan ki पूरी गवर्नमेंट को स्टेट को हमारे फोरम से शयान भाई का था, पहले मैंने आइडिया दिया आगे शयान ने एनहांस किया, ईरान से पेट्रोल ले लेना भाई जनाब, रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स तो होंगे यहाँ पे, पूरा यूरोप लेता है, आपने सैंक्शंस लगाए हुए लगे हुए ईरान भी, और पूरा यूरोप लेता है अभी भी लेता है, और क्रूड ऑयल भी, क्रूड यूरो 7 लेता है, यूरो 7 सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे क्लीन रिफाइंड है, सबसे सल्फर उसका निकला हुआ है, जबरदस्त है क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है, हम लोग सैंक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ईरान से लेने पे सैंक्शन है, सैंक्शन ईरान पे ट्रेड पे सैंक्शन है, अंदर खाते में तो चल रहा होगा ना आपका बॉर्डर खुले, इंशाल्लाह अंदर खाते में पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं डूबता, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा, हमेशा करेगा इसकी इंशाल्लाह।